हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज स्पेशली वीडियो सोडा फिलिंग प्लांट की वीडियो हम लेके आए हैं। वैसे तो पहले हमने बहुत सारी वीडियो डाली है, लेकिन आज स्पेशली वीडियो हम पूरी टोटली डिटेल वाइज वीडियो बना रहे हैं दोस्तों आपके लिए। तो वीडियो को पूरी स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए। ये वीडियो के अंदर हम आपको हर एक जानकारी देंगे, बोतल भरने से लेके फ्लेवर कैसे भरा जाता है, कैसे सिरप भरा जाता है, कैसे जीरा मसाला का बोतल भरा जाता है, हमारे पास मिनी प्लांट्स में कौन सी मॉडल्स है, कौन से मॉडल्स अवेलेबल है, मशीन के साथ क्या क्या एसेसरीज फ्री में मिलती है, क्योंकि कई सारी कंपनियां एसेसरीज का भी चार्ज अलग से लेती है। जो हमारी डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी है वो मशीन के साथ ही उसकी एसेसरीज कॉम्प्लीमेंट्री में देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट में, उसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं है। आपको ओनली मशीन बाय करना है, मशीन का कीमत देना है, उसके साथ उसकी एसेसरीज साथ में फ्री में मिलती है। बोतल, खाली बोतल जो रहता है प्लास्टिक का बोतल, वो कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, उसका कैप कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, कितने में पड़ेगा आपको एक कैप, फ्लेवर कहाँ से लेना है, फ्लेवर कैसे बनाना है, उसकी रेसिपी कैसी है, एक बोतल कितने का आपको लैंडिंग पड़ेगा और मार्केट में कितने का सेल होगा, ये सब चीज़, सब डिटेल, हर एक जानकारी हम ये वीडियोज के अंदर देने वाले दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए, जिससे आपको ये बिजनेस अगर करना है तो पूरी मालूमात, पूरी जानकारी मिले। अगर आप बिजनेस करें ना करें वो आपके माइंड की बात है, लेकिन अगर आपके माइंड में एक अच्छी तरीके से प्रॉपर सिस्टम से इसका बिजनेस का डिटेल मिलता है तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। आपको खुद को लेना है प्लांट, या आपके कोई दोस्त को, आपके कोई मित्र को, या आपके परिवार में किसी सभ्य को इस चीज़ का ये बिजनेस करना है, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो कि ये बिजनेस इतने का गिरता है, ऐसे बिजनेस करा जाता है, ऐसे ब्रांड बनाई जाती है, ऐसे खुद की एक कंपनी खोली जाती है। तो चलिए दोस्तों, टाइम गवाए बिना वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूं आपको कि हमारी डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी बहुत सारे सोडा फिलिंग प्लांट्स में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स है। जैसे एक घंटे में 200 बोतल से लेके एक घंटे के अंदर 2000 बोतल तक के मॉडल्स है हमारे पास। सेमी ऑटोमेटिक मॉडल्स भी है और ऑटोमेटिक मॉडल्स भी है। और अगर आप ये बिजनेस में न्यू एंट्रेंस से नया बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आपको ये बिजनेस का कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है, तो आप इससे स्टार्टिंग मॉडल लेके अपना एक फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग मॉडल से क्या फायदा होगा आपको कि मशीन भी बजट में कम मिलेगी और आपका एरिया स्पेस भी वो कम रोकेगा। जैसे 10 फुट बाय 10 फुट या 15 फुट बाय 15 फुट का कोई खोली है, कोई दुकान है, कोई शॉप है, तो आप उसको 5-6 हज़ार रेंट के ऊपर रखिए, छोटी मशीन लगा के अपना खुद का एक ब्रांड, अपना कंपनी स्टार्टअप कर सकते हो, मार्केट में एंट्री कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपका ब्रांड इमेज जमने लगता है, डिमांडिंग बढ़ने लगती है, आप इसे स्टेप बाय स्टेप उसको ऑटोमेटिक में कन्वर्जन जा सकते हो, उसे बड़ी मशीन आप खरीद सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों आपको कि हमारा स्टार्टिंग प्लांट है, मिनी प्लांट बोलते हैं, 1+2 का प्लांट है। एक घंटे के अंदर आप 200 से 250 बोतल का प्रोडक्शन कर सकते हो दोस्तों। ये मशीन को आप 24 घंटे भी प्रोडक्शन कर सकते हो, डे एंड नाइट, दिन में भी काम कर सकते हो, रात में भी काम कर सकते हो, लेकिन उसको एक स्टेप देना पड़ता है आपको। जैसे कि सुबह 12 बजे आप मशीन स्टार्ट करते हो तो रात को 10 बजे तक आप कंटिन्यू चलाओ, फिर 2 घंटा वोल्ट दे के रात को 1 बजे से सुबह 10 बजे तक आप काम कर सकते हो मशीन के अंदर। 24 घंटे में से 20 घंटे आप काम करेंगे, एक घंटे में 200 बोतल का प्रोडक्शन करेंगे दोस्तों, तो आपको 20 घंटे के अंदर 4000 बोतल का प्रोडक्शन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये मशीन है 1+2 की है, एक ही टाइम के अंदर आप एक ही फ्लेवर का फिलअप कर सकते हो, वन टाइम के अंदर कोई एक फ्लेवर का फिल कर सकते हो। जैसे कि आज आप पूरा दिन आपने ऑरेंज का फ्लेवर बनाना है तो पूरा दिन ऑरेंज का फिलअप कर सकते हो, नेक्स्ट डे आपको जीरा मसाला भरना है तो जीरा मसाला, फिर तीसरे दिन आपको फ्रूट बियर बनाना है, काला खट्टा बनाना है, एप्पल बनाना है, एप्पी टाइप का, तो रोज एवरी डे आप अलग अलग फ्लेवर का प्रोडक्शन कर सकते हो। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको फ्लेवर का डिटेल बता दूं, तो इस टाइप का फ्लेवर्स पैकेट रहते हैं, ये फ्लेवर का बॉक्स है, अपोलो कंपनी का ब्रांडेड कंपनी का फ्लेवर्स है। ठीक है, इसका फ्लेवर्स आता है, इसके अंदर इसका इंटीग्रेंस रहता है, मैं आपको खोल के बता दूं दोस्तों। ये जीरा मसाला का फ्लेवर है, उसमें एक पाउडर का पैकेट है, एक लिक्विड का पैकेट है, इसको वाटर के साथ, चीनी के साथ मिला के इसको बनाया जाता है दोस्तों। इसकी रेसिपी भी हम आपको पूरी बताएंगे। अगर आप मशीन हमारे से बुक कर दो तो हमारी कंपनी की टेक्निकल टीम आपके वहाँ सिटी में, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी है, हमारी टेक्निकल टीम आपके सिटी में आके पूरा आपको फ्लेवर कैसे बनाना है, कैसे भरना है, कैसे वाटर भरना है, कैसे कूलिंग करना है, 2 दिन रुक के पूरी डेमोस्ट्रेशन आपको स्टार्टअप करके 2-4 हज़ार बोतल का प्रोडक्शन करके भी देंगे दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको एक फ्लेवर बनाया है, इसका फ्लेवर को ऑलरेडी हमने ऑरेंज का फ्लेवर यहाँ पे बना के रखा है, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे।
ये ऑरेंज का फ्लेवर ऑलरेडी हमने बना के रखा है। ये ऑरेंज का फ्लेवर का हम आपको प्रोडक्शन करके बोतल फिलअप करके भर के बताएंगे दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आपको अगर इस टाइप का प्लांट बना रहे हो तो इस टाइप का आपको एमएल वाइज ले लेना है कि आपको सोडा और फ्लेवर का कितना क्वांटिटी ऐड करना है इसके अंदर। अभी हम जैसे 200 एमएल का बोतल भर रहे हैं इसके अंदर, तो 160 एमएल सोडा भरना है, 40 एमएल सिरप भरना है, फिर यहाँ पे कैपिंग करके ढक्कन है, इसका कैपिंग लगा देना है, इसलिए आपका बोतल हो जाएगा तैयार, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले इस टाइप का बोतल रहता है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये एम्प्टी बोतल के ऊपर आपकी जो भी ब्रांड है उसका स्टिकरिंग लगाना है आपको। जैसे आप जो भी कंपनी का अपना खुद का इमेज बना रहे हैं तो खुद के ब्रांड का एक स्टिकर बनाना है और FSSAI फूड सर्टिफिकेट लगा के इस टाइप का स्टिकर बोतल के ऊपर लगा देना है। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लेन सोडा हमने सेट किया 160 ml, सबसे पहले प्लेन सोडा भरेगा इसके अंदर, आप देख सकते हैं 160 ml हमने सोडा सेट किया है, 40 ml सिरप सेट किया है, आप देख सकते हैं सोडा फिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम सिरप भरने जाएंगे, ये आप देख सकते हैं ये सिरप फिल हो चुका है, बोतल बन के तैयार है। उसके बाद यहाँ पे हम कैपिंग लगाएंगे, उसका ढक्कन लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं पूरा ये सीलिंग वाला पूरा कैप है इसका, ये सील होके तैयार हो चुकी है आपकी बोतल। यहाँ पे इसका सील लग चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों ये बोतल का यहाँ पे सील रहता है। जब ये बोतल को ओपन करेंगे तो इसका सील बोतल के अंदर ही रह जाएगा, जैसे मैं अभी आपको बोतल ओपन करके बताता हूँ उसको दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरा ये ढक्कन हाथ में आ गया, सील इसका इसके अंदर लग गया, इसलिए एक बार खोलने के बाद ये यूज एंड थ्रो बोतल हो गया दोस्तों। उसके बाद मैं आपको दूसरा एक फ्लेवर का बोतल भी भर के बताता हूँ, 160 ml सोडा फिल होगा इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से 40 ml सिरप को फिल करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ढक्कन लगाएंगे इसका सीलिंग वाला पूरा, ये आप देख सकते हैं ये रेडी होके तैयार हो चुका है आपका बोतल। उसी तरीके से अगर दोस्तों आपको ओनली सादा सोडा भरना है, प्लेन सोडा भरना है किनली और लहर टाइप का, तो उसके लिए भी इसका बटन रहता है, उसका सेटिंग हम बढ़ा देंगे थोड़ा। यहाँ से उसका सेटिंग रहता है कि कितना कौन सा फ्लेवर आपको भरना है, कितना एमएल भरना है यहाँ से आपको। ये फुल बोतल भर चुका है प्लेन सोडा का, ओनली क्लीन किनली और लहर टाइप का सोडा भरेगा इसमें से, इसका भी हम कैपिंग लगा देंगे यहाँ से, आप देख सकते हैं ये कैपिंग लग चुका है इसका भी, ये किनली और लहर टाइप का सोडा भर चुका है। ये जीरा मसाला का फ्लेवर हमने बना के रखा हुआ है, ये आरबुल का फ्लेवर है, आप देख सकते हैं रेड बुल टाइप का ड्रिंक है, ये जीरा मसाला का फ्लेवर है। तो जिस तरीके का आप अलग अलग 40 फ्लेवर बना सकते हो, अलग अलग वेराइटीज के 40 फ्लेवर बना सकते हो दोस्तों। अभी मैं दोस्तों इसकी बोतल की कॉस्टिंग बता दूं आपको कि एक बोतल बनाने का कितना खर्चा पड़ेगा और मार्केट में कितने में सेलिंग होगा एक बोतल आपका, ठीक है। खाली बोतल अगर आप लेते हो 200 ml लेते हो या 250 ml लेते हो, दोनों बोतल का प्राइस सेम रहता है, कोई फर्क नहीं है प्राइस के अंदर। खाली बोतल का कीमत है 2 रुपया 70 पैसा, 2 रुपीज 70 पैसा, 2 रुपया 10 पैसे का बोतल आता है, 60 पैसे का कैप आएगा, इसलिए 2 रुपया 70 पैसे का बोतल आएगा, 1 रुपये का इसके अंदर मटेरियल जाएगा, इसलिए हो गया 3 रुपीज 70 पैसा, 3 रुपया 70 पैसा हो गया। 40 पैसे का इसका स्टिकर आएगा, 4 रुपये 10 पैसे आ गया, 10 पैसे का CO2 गैस जाएगा इसका, इसलिए 4 रुपये 20 पैसे आएगा, और 20 पैसा मेंटेनेंस पकड़ लो अदर खर्चा, इसलिए 4 रुपये 40 पैसे में आपका 200 ml का बोतल तैयार है। अगर आप 250 ml का बोतल बनाते हो तो दोस्तों 20 पैसे का मटेरियल ज़्यादा जाएगा इसके अंदर, इसलिए आपको 4 रुपये 60 पैसे का 250 ml का बोतल पड़ेगा, 200 ml का बोतल आपको पड़ेगा 4 रुपये 40 पैसे का। ये बाजार में ड्रिंकिंग होने के लिए जाता है, 10 रुपये में एक बोतल बिकता है। अगर आप डायरेक्टली होलसेलर है, जो बड़े बड़े बाउंड बंच एक साथ 2000-1500 बोतल आपसे खरीदते हैं, मैन्युफैक्चर होलसेल से जो काम करते हैं उनको अगर आप ये बोतल देते हो तो एक बोतल आपसे 8 रुपये में खरीदता है वो। अगर 8 में भी नहीं खरीदता, मिनिमम नया ब्रांड है, नया इमेज है आपका, तो 7.5 में भी दे सकते हो, कम से कम 7 रुपये में भी दे सकते हो। एक बोतल पर आपको मिनिमम नेकेट प्रॉफिट 2 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट गिरता है।
अगर इस टाइप का आप मिनी प्लांट से स्टार्टअप करते हो, 10 घंटा काम करके 2000 बोतल का प्रोडक्शन होगा, 20 घंटा काम करेंगे तो 4000 बोतल का प्रोडक्शन होगा। अगर आप मिनिमम एवरेज में ही जाते हो कि भाई 2000 बोतल ही आप सेल करते हो, 2000 बोतल ही आप निकालते हो, तो रोजाना आपको कम से कम 4.5 से 5000 रुपए का नेकेड प्रॉफिट आएगा ये बिजनेस करके। और मेन चीज है दोस्तों, प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना एक ब्रांड बनेगा, आपका एक इमेज बनेगा। जितना भी प्रोडक्शन आप सेल करेंगे उतना आपका इमेज दूर दूर तक जाएगा दोस्तों। ये बिजनेस कोई एक एरिया तक सीमित नहीं है दोस्तों कि भाई अपने एरिया में ही चलेगा या अपने 2-3 एरिया में चलेगा या अपने गाँव में ही चलेगा। ये बिजनेस ग्रोइंग वाला है, ये फैलने वाला बिजनेस है। जितना आप इसको फैलाएंगे उतना फैलेगा ये बिजनेस। एक एरिया से 2 एरिया, 2 एरिया से 4 एरिया, पूरे गांव में, आजू बाजू के गांव में, पूरा शहर में, पूरा डिस्ट्रिक्ट में, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जा सकते हो, पूरा स्टेट कवर कर सकते हो दोस्तों। जितना आप लंबा सोचेंगे, जितना आप मार्केटिंग ज़्यादा सोचेंगे, जितना आपको फैलाने का सोचेंगे दोस्तों, उतना ही बिजनेस फैलेगा दोस्तों। क्योंकि आज के अंदर, आज की तारीख में जो ब्रांडेड कंपनी है, जो थम्सअप, पेप्सी, कोका कोला कंपनी है, वो भी एक समय के अंदर इस टाइप का छोटा बिजनेस से उन्होंने प्लांट किया था। स्मॉल इन्वेस्ट से, स्मॉल बिजनेस से ही डेवलप किया था उसको। धीरे धीरे डेवलप होता है, जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी बढ़ती है, जैसे अपने ध्यान देते हैं उसके अंदर, मार्केटिंग के पीछे भागते हैं, मेहनत करते हैं, वैसे वैसे बिजनेस ग्रो अप होता है दोस्तों। ऑटोटिक बात की बात है दोस्तों, अभी मैं आपको मशीन के साथ क्या क्या एक्सेसरी साथ में दी जाती है उसकी भी डिटेल मैंने आपको बताया कि दूंगा दोस्तों। तो मशीन के साथ एक खाली बोतल, जो नया बोतल रहती है उसको धोने के लिए बोतल वॉशर है, एक 2 हेड का बोतल वॉशर है। एक साथ आप 2 बोतल को वॉश कर सकते हो। बोतल वॉशर से पूरी स्टेनलेस स्टील मशीन है, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक पंपिंग सिस्टम से काम करती है। आपको खाली बोतल यहाँ पे रखना है, ऑटोमेटिक वॉश हो जाती है दोस्तों। पूरी पाइप के ऊपर बनाई गई मशीन है, ठीक है। उसके बाद ये आरओ प्लांट है दोस्तों, 50 से 70 लीटर एक घंटे के अंदर आरओ फिल्टर करता है। इस टाइप का आरओ प्लांट मशीन के साथ में फ्री में मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री में। मशीन के साथ दोस्तों आपको ये, आपको उसका फ्लेवर बनाने के लिए हैवी ड्यूटी फ्लेवर मिक्सचर मशीन मिलेगा, ये मशीन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री में दोस्तों। तीसरे नंबर में मशीन के साथ आपको 10,000 बोतल का फ्लेवर मिलेगा। आप जो जो सिलेक्शन करेंगे, जीरा, ऑरेंज, लेमन, लीची, मैंगो, फ्रूट बियर, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, इस टाइप का आपको 10,000 बोतल का फ्लेवर मिलेगा। तारीख और डेट लगाने के लिए हैंड स्टैंपिंग मिलेगा, आप हाथ से अपने स्टिकर के ऊपर स्टार्टिंग में इसको लगा सकते हो। हमारे पास ऑटोमेटिक भी प्रिंटिंग मशीन है, ऑटोमेटिक भी डेट कोडिंग मशीन है, लेकिन उतना स्टार्टिंग में आपको इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है दोस्तों। स्टार्टिंगली प्लांट लेते हो तो दोस्तों ये सब हम जो मटेरियल, जो जो एसेसरीज देते हैं उससे आप अपना एक प्लांट स्टार्ट कर सकते हो और मार्केट में प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हो दोस्तों। इसका 25 पीस का बंच बनाने के लिए इसका हॉट गन भी हम मशीन के साथ में देते हैं। एक आपको CO2 गैस का सिलेंडर मिलेगा, इस टाइप का CO2 बोतल साथ में मिलेगा मशीन के साथ में दोस्तों। CO2 गैस का बोतल भी अलग से लेने का आपको जरूरत नहीं है दोस्तों। मशीन पूरी वन सेटअप मशीन है, कंप्लीट मशीन है। इसके अंदर कूलिंग सिस्टम भी लगाई है, वाटर टैंक भी लगाई हुई है दोस्तों, सोडा सिस्टम भी एक ही मशीन में लगी है। एवरीथिंग वन मशीन के अंदर इंक्लूड है, और फ्लेवर के बाउल्स भी है वो मशीन के अंदर ही रहेंगे दोस्तों। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए बाहर रखा है, बाकी ये फ्लेवर्स के बाउल है वो मशीन के अंदर ही फिट रहेंगे दोस्तों। आपको बाहर कोई चीज लगाने का ये मशीन में जरूरत नहीं है दोस्तों। मशीन भी पूरी हमने स्टेनलेस स्टील से बनाई है, प्लस इसके अंदर हमने इमर्सन कॉपलैंड कंपनी का कूलिंग कंप्रेसर लगाया हुआ है दोस्तों। जो इंटरनेशनल ब्रांड है इमर्सन कॉपलैंड का, आपने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल ब्रांड है उसका कंप्रेसर है। प्लस इसके अंदर बहुत सारी जो सामान हमने मोटर से ऐसे सब चीज़ जेन्युइन और ब्रांडेड कंपनी का लगाया है, कहीं पर भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है दोस्तों इसके अंदर। अभी नेक्स्ट सेटअप पे मैंने आपको बताया तीसरी चीज के, इसका रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, बोतल कहाँ से, ढक्कन कहाँ से लेना है, स्टिकर कहाँ से लेना है। तो दोस्तों इसका बोतल का ऑल ओवर इंडिया में हमारा हर एक स्टेट के अंदर बोतल मैन्युफैक्चरिंग का जो सप्लायर रहता है, जो बोतल को मैन्युफैक्चर करता है, उनका हमारे पास हर एक स्टेट के अंदर, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र स्टेट हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, तमिलनाडु हो गया, सब जगह हमारे कॉन्टैक्ट में इसका बोतल तो ढक्कन बनाने की कंपनियाँ हैं। तो आपको आपके स्टेट का नियरेस्ट कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसे आप कर्नाटका से, तो हम आपको चेन्नई में बोतल मैन्युफैक्चरिंग और ढक्कन मैन्युफैक्चरिंग का डायरेक्टली नंबर सपोर्ट करेंगे। अगर आप गुजरात से बोतल मंगाएंगे तो बहुत उसका ट्रांसपोर्टिंग, ट्रैवलिंग चार्ज बहुत कॉस्टली हो जाएगा, तो बोतल आपको बहुत महंगा गिरेगा दोस्तों। इसलिए हर एक स्टेट के अंदर हमारे पास उसके मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं, जिसका हम आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करा देते हैं। इसका जो स्टिकर हो गया दोस्तों, ये स्टिकर है, इसका हमारा डिजाइनर बैठा रहता है, डिजाइनिंग तैयार रहता है, खाली आपको अपना ब्रांड का लोगो देना है और अपना आपको FSSAI फूड सर्टिफिकेट एक नंबर देना है आपको।
फूड सर्टिफिकेट कहाँ से निकाले? अगर आप नहीं निकाल सकते दोस्तों, तो हमारे कॉन्टेक्ट में एजेंट्स है जो फूड सर्टिफिकेट निकाल देते हैं। 20 से 25 दिन के अंदर आप डॉक्यूमेंट देते हैं, उससे 20 से 25 दिन के अंदर आपके घर के एड्रेस पे आपको फूड लाइसेंस पहुंचाया जाता है दोस्तों। तो जब तक आपकी मशीन आप ऑर्डर करते हैं, वो मैन्युफैक्चर होती है, बनती है, उतने टाइमिंग के अंदर आपको आपका फूड लाइसेंस भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो हम आपको फूड लाइसेंस भी करवाने का जिम्मेदारी रखते हैं, और हम लेते हैं जिम्मेदारी कि हम आपको फूड का लाइसेंस भी करवा देंगे दोस्तों साथ में, ठीक है। इसका फ्लेवर कहाँ से लेना है? तो फ्लेवर के लिए जो हमको अपोलो कंपनी बताए, उसके ऑल ओवर इंडिया में सब जगह डीलर से आपको नियरेस्ट पैलेस का जो डीलर है उसका कॉन्टेक्ट करवा देंगे, आप इजीली फ्लेवर्स वहाँ से ले सकते हो दोस्तों। तो कोई चीज़ दोस्तों आपको अलग लेने का जरूरत नहीं है, पूरा कॉम्बो पैकेज हर एक चीज़ हम आपको मैच करके देते हैं, मेंशन करके देते हैं। और आपको कहीं पे भी दूसरी जगह ये बिजनेस अगर आपको करना है तो दूसरी जगह कहीं पे जाने का जरूरत नहीं है दोस्तों, एक ही जगह पे आपको ए से लेके जेड तक का काम हो जाएगा। हम आपको मार्केट में सेलिंग तक छोड़ देंगे कि यहाँ से आपको आगे का मार्केट स्ट्रेटजी कैसे बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। बाकी मशीन में से सोडा का क्वालिटी, स्ट्रांगनेस का क्वालिटी, स्वीटनेस का क्वालिटी, जीरा का टेस्ट, ऑरेंज का टेस्ट, हर एक का टेस्ट हम आपको मेंटेन करके आप आपके लोकल एरिया में, लोकल सिटी में, लोकल स्टेट में जैसा आपको टेस्ट पसंद है, जैसा क्वालिटी आपके लोग चाहते हैं वहाँ का, वो टेस्ट हम आपको बना के देंगे आपको। वहाँ से आगे मार्केटिंग कैसे करना वो आपके ऊपर डेवलप्ड होता है कि आप कैसे मार्केटिंग को ग्रो अप करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं उसको। अभी हमारा एक मशीन, दो मशीन जा रहे हैं दोस्तों, ये भी 2+2 के प्लांट है, आप देख सकते हैं। ये 2+2 का है, दो सोडा है, दो सिरप का है, यहाँ पे दो सोडा है, दो सिरप। इसमें वन टाइम में दो अलग अलग फ्लेवर का प्रोडक्शन होगा दोस्तों, एक ही समय के अंदर आप दो फ्लेवर बना सकते हो, एक में ऑरेंज, जैसे कि ये मशीन में एक ही समय में एक फ्लेवर बनता है, वही हिसाब से एक ही समय के अंदर दो अलग अलग आदमी काम कर सकते हैं। दोनों साइड कैपिंग मशीन है इसके, एक यहाँ पे कैपर है, एक वहाँ पे कैपर है। इसकी एक घंटे की कैपेसिटी है 400 बॉटल्स की, 400 बॉटल एक घंटे के अंदर इसमें आप प्रोडक्शन कर सकते हो। ये मशीन हमारी कश्मीर जा रही है, उसके बाद ये मशीन है गुवाहाटी जा रही है, आप देख सकते हैं। ये गुवाहाटी के लिए हमने मशीन बनाई है, ये गुवाहाटी जा रही है। जो कस्टमर ने नाम बोला था, डिज़ाइन बोला था, सब डिटेल ये आसाम और सब लिखा हुआ है, देख सकते हैं। कस्टमर का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब लिखा हुआ है दोस्तों इसके अंदर। तो दोस्तों आप भी इस तरह का बेहतरीन क्वालिटी का मशीन लेने के लिए, बेहतरीन बिजनेस करने के लिए, आज की तारीख में सबसे ज़्यादा बिजनेस चलता है दोस्तों, सबसे ग्रो अप बिजनेस है, मेकिंग इंडिया प्रोडक्ट है दोस्तों। हम ब्रांडेड कंपनी का फ्लेवर्स पीते हैं लेकिन वो मेकिंग इंडिया नहीं होती है दोस्तों, जैसे हमारी ये प्रोडक्ट मेक इन इंडिया है। और आज की तारीख में हमारे इंडिया में लोग भी मेक इन इंडिया प्रोडक्ट की ज़्यादा प्रोत्साहन है, ज़्यादा चाहते हैं वो लोग। अगर ब्रांडेड कंपनी देखते हो और अपना ड्रिंक आप भी ये देखें, अपना ड्रिंक देखेंगे तो पब्लिक भी पीने के लिए लोकल ड्रिंक ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि मेक इन इंडिया को पावर ग्रो अप करने के लिए लोकल पब्लिक भी ज़्यादा प्रोत्साहित है, ज़्यादा प्रोत्साहन देती है हमारे को। इसलिए आज की तारीख में इस टाइप का अपना ब्रांड बनाइए दोस्तों, अपना एक कंपनी बनाए, एक छोटी सी मशीन लेके अपनी खुद की इमेज, खुद की ब्रांड बनाए दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप ग्रो करिए इसके अंदर। हमारे पास सब मशीन है, ये मशीन ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं, 4 हेड का। इसकी एक घंटे की कैपेसिटी 1700 से 2000 बोतल की कैपेसिटी है मशीन की, 4 हेड की मशीन है, 4 अलग अलग फ्लेवर ऑटोमेटिक फिलअप होते हैं इसके अंदर। तो स्टेप बाय स्टेप करिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि सीधा बड़ा प्लांट लेके अपना एक साथ इन्वेस्ट जोड़ दीजिए, बड़ा जगह लीजिए 20-40 हज़ार का किराया वाला, ऐसा नहीं है दोस्तों। छोटा 5-6 हज़ार वाला कोई खोली, कोई भी एक छोटा रूम लीजिए, इसमें छोटी मशीन लगाइए, छोटा स्टार्टिंगली प्रोडक्शन कीजिए और एक अपना मार्केट में ब्रांड बनाइए। धीरे धीरे स्टार्ट बाय स्टार्ट आप उसको प्रोत्साहित बड़ा प्लांट ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए सब डिटेल्स मैंने इसके अंदर बता दी होगी। अगर कोई ज़्यादा डिटेल्स चाहिए जो मेरे से मिसिंग हो गई है और आप जानना चाहते हो डिटेल्स, तो एक बार हमारे को कमेंट बॉक्स में वो बताइए कि आप क्या नया चीज़ जानना चाहते हैं हमारे से, क्या नया चीज़ इसके अंदर मशीन के में जो हम भूल गए आपको बताना, बता नहीं सके, बताना भूल चुके दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इस टाइप की मशीन लेने के लिए और इसका प्राइसिंग डिटेल जानने के लिए दोस्तों एक बार हमारी कंपनी में ज़रूर कांटेक्ट करिए दोस्तों। हमारी कंपनी का नंबर नोट कर लीजिए, 8866575519। नीचे वीडियो के अंदर भी ब्लिंकिंग हमारा नंबर हो रहा है दोस्तों, मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 10 बजे शाम को 6 बजे तक आप कभी भी कॉल करके हर एक जानकारी डिटेल फंक्शन ले सकते हो दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो एक बार लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।